आईआईटी मुंबई ने जेईई एडवांस 2022 का परिणाम जारी कर दिया है। इस रिजल्ट में शिक्षा नगरी कोटा ने एक बार फिर से अपनी धाक कायम की है। एलएन कोचिंग के स्टूडेंट्स ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। जेईई एडवांस के नतीजों के बाद ये जश्न कोटा का है। छात्र झूम रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और टीचर्स का जोश हाई है। और हो भी क्यों ना, हर बार की तरह इस बार भी नतीजों में कोटा का दबदबा कायम जो रहा है। इन टर्म्स ऑफ आवर्स मैं एक्चुअली 12 to 14 करता था, क्योंकि मेरी एफिशिएंसी बहुत कम है, तो आउट ऑफ 12 to 14 मेरे 8 to 10 एक्चुअल आवर्स होते थे जो मैं एक्चुअली पढ़ता था। तो फिर अबाउट दैट, हाँ, बस जितना आपका टारगेट चला है, जितना टारगेट सेट किया आपके टीचर्स, आपके कोचेस या फिर जो भी, उतना अगर आप सॉल्व कर सकते हो, उधर उतना अगर आप हिट कर सकते हो, देन आई थिंक सक्सेस तो इज इनएविटेबल। मैं कोटा से 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं रोज़ 4 से 5 घंटा खुद पढ़ता था और 4 से 5 घंटे क्लासेस होती थी। और मैं तो ये कहूँगा कि आर्ट्स का मतलब नहीं है, जो टारगेट दिया जाए वो एकदम कंप्लीट करना है और कंसिस्टेंटली काम करना है, मतलब बीच बीच में ब्रेक्स नहीं लेना है, तो उससे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कोटा के 10 स्टूडेंट्स ने टॉप 30 में जगह बनाई है। मयंक मोटवानी ने 5th रैंक हासिल करके दिल्ली जोन टॉप किया है, तो वहीं दिव्यांशु मालू ने 11th रैंक, विशाल बयासानी ने 13th रैंक, अभिजीत आनंदन ने 15th रैंक, शक्षम राठी ने 18th रैंक हासिल की है। अभिजीत आनंद गुवाहाटी जोन के टॉपर बने हैं, जबकि कनिष शर्मा ने आईआईटी कानपुर जोन टॉप किया है। जो डेडिकेट डिवोटेड हर तरह से बच्चों के साथ कंधे से कंधे मिला के चलने वाले इनकी फैकल्टी टीम है, उन्हें अपनी हर चीज के लिए बच्चों से ऊपर कुछ नहीं माना और दोनों का मिलकर ये जो सफर चला, जब जेईई एडवांस का एग्जाम हुआ उस दिन काफी कुछ आइडिया हो चुका था, टेक्निकली कुछ भी हो जाए लेकिन बच्चा आएगा तो ऊपर नो डाउट एलन का आएगा। तो कोटा के हिसाब से जो वास्तव में रिजल्ट एलन देता आ रहा है, तो इस बार भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा एलन का। नतीजों के बाद कोटा का जोश हाई है। हर बार की तरह इस बार भी कोटा परफॉर्मेंस में टॉप पर है। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा।